गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसा कि आपको पता है, डेली में हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेकर आते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे बात की गई है स्टॉप द डिथरिंग एंड इंक्रीज ग्रीन इलेक्शन इन इंडिया। तो इसकी अगर आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल का नाम है, आपको डेली जल्दी सुबह मिल जाएगी बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं द हिंदू इन के बारे में। मैंने आपको बता ही दिया कि स्टॉप द डिथरिंग, डिथरिंग होता है हिचकिचाना, वेसिलेट करना, ओसिलेट करना, हिचकिचाना किसी चीज़ के बारे में, तो हिचकिचाना छोड़ना चाहिए। एंड इंक्रेज, इंक्रेज मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, साहस देना, ग्रीन इलेक्शन इन इंडिया। ग्रीन इलेक्शन मतलब एमिशन ना हो, ग्रीन इलेक्शन मतलब ग्रीनरी से रिलेटेड है, जो कि सस्टेनेबल रहेगी, मतलब आगे आने वाली पीढ़ियों तक हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आर्टिकल लिखा है अमर पटनायक ने, ये मेंबर एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं राज्यसभा से, फ्रॉम ओडिशा, एंड एडवोकेट मतलब सपोर्टर रहे हैं। ही वाज ए फॉर्मर कैग ब्यूरोक्रेट, तो कैग ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, वकील भी रहे हैं। एंड जर्नी कैन बिगिन बाय इनेक्टिंग, इनेक्टिंग होता है लागू करना, अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन, तो अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन विद एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटिंग दिस मेथड इन दी एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये जर्नी के बारे में कैन बिगिन, स्टार्ट हो सकती है बाय इनेक्टिंग, लागू करके, अप्रोप्रिएट होता उचित लेजिस्लेशन रूल बना के, विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटिंग, सम्मिलित करना दिस मेथड, इन मेथड को इन द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इन मेथड को अपना सकते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद मतलब सबको फॉलो करना पड़ेगा, कंपलसरी हो जाएगा जो चीज़ें। मॉडल होता है कि एक खाका दे दें, और कोड ऑफ कंडक्ट मतलब जो आपको कैसे बिहेव करना है, वो कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं उनको इलेक्शन के टाइम पे। ये इलेक्शन जो कमीशन ऑफ इंडिया मैंडेट कर सकता है। तो इस आर्टिकल में जो भी दिया हुआ है मैंने उसको अच्छे से यहाँ पे लिख दिया ताकि आप अच्छे से समझ सकें और एग्जाम में डायरेक्टली यूज कर सकें। यहाँ पे बात की गई द अर्जेंसी, अर्जेंसी जरूरत मतलब एकदम इमीडिएट रिक्वायरमेंट। स्टेम्स, स्टेम्स होता है उत्पन्न होना, जैसे स्टेम होता है तना, वहाँ से उत्पन्न होती है, फ्रॉम दी सब्सटैंशियल इन्वायरमेंटल, सब्सटैंशियल अच्छा खासा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ दी ट्रेडिशनल इलेक्शन जनरेटेड बाय दी एलिमेंट्स लाइक। तो आपको पता है जरूरत इस बात की यहाँ पे शुरू हुई कि भाई ग्रीन इलेक्शन की बात इसलिए है कि जो कि खड़ी होती है जरूरत, सब्सटैंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट डालता है, अच्छा खासा इम्पैक्ट डालता है ट्रेडिशनल जो परंपरागत रूप से पीछे चले आ रहे हैं उन इलेक्शन के कंडक्ट होने से, जनरेटेड बाय दी इलेक्शन एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं यहाँ पे कैओस क्रिएट कर रहे हैं या पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं? एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव व्यापक रूप से यूज ऑफ पेपर, पेपर का यूज होता है फॉर कैंपेन मटेरियल एंड बैलेट्स, कैंपेन मटेरियल्स के जो हम होर्डिंग्स वगैरह देखते हैं पेपर की बनी होती है बहुत सारी, तो उसका ये मिसयूज हो रहा है बैलेट्स पेपर का। एनर्जी इंटेंसिव रैलीज, तो एनर्जी इंटेंसिव, एनर्जी खत्म होने वाली रैलीज निकाली जाती हैं जिसमें मान लो व्हीकल यूज होते हैं, बहुत सारा पोल्यूशन होता है, या ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स होता है, या लॉजिस्टिक्स इधर उधर से आइटम जाते हैं या व्हीकल जाते हैं या आदमी जाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी जो एमिशन होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जिनको प्लास्टिक के जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल जो धरती में नए खत्म हों अपने आप, मटेरियल लाइक दी प्लास्टिक्स बैनर्स एंड होर्डिंग्स यूज होते हैं। ट्रांजिशन मतलब होता है बदलना टू ग्रीन इलेक्शन, ग्रीन इलेक्शन में बदलना ऑफर करता है ए मल्टीट्यूड ऑफ बेनिफिट्स, मल्टीट्यूड बहुत तरह के बेनिफिट। इट वुड, देखो वुड कहाँ पे मैंने बताया था कि जहाँ पे रिमोट पॉसिबिलिटी होती है वो यूज होता है, कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, कंफर्म नहीं बट हो सकता है, रिमोट पॉसिबिलिटी में यूज होता है वुड, और ये विल पास्ट के पास्ट मतलब विल के पास्ट में भी यूज होता है वुड। तो आपने सुना होगा कि इफ यू वुड हैव कम, वुड हैव कम, हैव कम जैसे कहाँ पे यूज होते हैं कि भाई अगर तुम कल आ गए होते ना, तो इसलिए बोलते हैं इफ़ यू वुड हैव कम, अगर आ गए होते, जहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है। बट ये वुड यहाँ पे यूज हुआ जो रिमोट पॉसिबिलिटी फ्यूचर की, ये पास्ट की बात कर रहे थे, तो वुड दो दर्जन तक और कुड भी ऐसे यूज होता है। तो इट वुड रिड्यूस, ये रिड्यूस करेगा फ्यूचर में द एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, एनवायरमेंट के फुटप्रिंट को, फुटप्रिंट मतलब जो निशान छोड़ देते हैं जैसे पैरों के निशान रहते हैं, वैसे ही एनवायरमेंटल फुटप्रिंट ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन होने के बाद उसके निशान बचे रहते हैं, पॉल्यूशन वगैरह हो जाता है। कॉन्ट्रीब्यूट करता है ये ब्रॉडर सस्टेनेबिलिटी गोल, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, इसका मतलब अच्छा खासा हिस्सा है, श्रेय है, ब्रॉडर मतलब बहुत लंबा चौड़ा सस्टेनेबिलिटी गोल, सस्टेनेबल होता है जो आगे लंबे टाइम तक प्रैक्टिस की जा सके। इन्हांस करेगा, रिड्यूस, इन्हांस करेगा सिविक पार्टिसिपेशन, सिविक होता है नागरिक,
या जो सिविक, जैसे पॉलिटिकल साइंस को भी बोलते हैं, सिविक में आता है, सिविक स्टडी में आता है आपकी जो नागरिक के होने वाले नाते, जो आपकी सभ्य जो चीज़ें होती है नैतिक, सिविक पार्टिसिपेशन, जो सिटीजन पार्टिसिपेट करेंगे या सब सभ्य बनकर काम करेंगे बाय पोटेंशियली इंक्रीजिंग, इसमें क्षमता है इंक्रीज कर देगा एक्सेसिबिलिटी थ्रू डिजिटल वोटिंग ऑप्शन। तो ज़्यादा एक्सेस सबके पास हो जाएगी पहुंच और डिजिटल वोटिंग हो सकती है। पोजिशन, इंडिया एज ए लीडर इज इन सस्टेनेबल डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। तो पोजीशन क्या है, इंडिया एज ए लीडर है सस्टेनेबल डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस इंस्पायरिंग अदर कंट्री, दूसरे कंट्रियों को भी इंस्पायर कर सकता है या कर रहा है। हाउएवर इम्प्लीमेंटिंग ग्रीन इलेक्शन प्रेजेंट सेवरल चैलेंजेस, इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है, टेक्नोलॉजिकल हर्डल, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है, इस्टेब्लिशिंग स्थापित करना रोबस्ट डिजिटल वोटिंग सिस्टम विद फुल प्रूफ सिक्योरिटी मेजर्स। तो वोटिंग सिस्टम को मेजर करना विद फुल प्रूफ, जो प्रूफ है सिक्योरिटी मेजर्स, पर्टिकुलर इन रूरल एरिया विद लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो टेक्नोलॉजिकल हर्डल, जो बाधाएं आ रही हैं, एस्टैब्लिशिंग करना रोबस्ट डिजिटल वोटिंग सिस्टम, डिजिटल वोटिंग डाल दो विद फुल प्रूफ सिक्योरिटी मेजर्स। सिक्योरिटी मेजर जो सिक्योरिटी के तरीके लिए जाते हैं पर्टिकुलर इन रूरल एरिया विद लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। कल्चरल रेजिस्टेंस, कल्चरल को लेकर जो बाधाएं आती हैं, तो टेक्नोलॉजिकल हर्डल क्या है, एस्टैब्लिशिंग करना रोबस्ट डिजिटल वोटिंग सिस्टम, रोबस्ट मजबूत वोटिंग सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम बना दें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसको कोई काट ना सके, विद फुल प्रूफ सिक्योरिटी मेजर्स। सिक्योरिटी के मेजर होने चाहिए, मतलब प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि जैसे अभी केस हुआ था पीछे जो चंडीगढ़ मेयर का इशू चला था, पर्टिकुलर इन रूरल एरिया गाँव में भी होना चाहिए विद लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। कम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, कुछ कम जो एस्टैब्लिशमेंट हो बट यूज ज़्यादा हो और सिक्योरिटी भी अच्छी रहनी चाहिए। कल्चरल रेजिस्टेंस, जो कल्चर है कुछ यहाँ का, ओवरकमिंग द ट्रेडिशनल नोशन, देख परंपरागत रूप से धारणा, नोशन होता है धारणा ऑफ फिजिकल प्रेजेंस एट द पोलिंग बूथ, कि भाई पोलिंग बूथ पे जाना ही वोट डालने के लिए, एज बीइंग इंटीग्रल टू द वोटिंग एक्सपीरियंस। तो वोटिंग एक्सपीरियंस से ही जुड़ा हुआ है ये, कि डिजिटल आप वोट कर देंगे तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो ये एक हिंड्रेंस है, ये भी बाधा आदमियों के दिमाग में बैठा हुआ है कि आपको वोटिंग पोलिंग बूथ पे जाना ही है। आगे क्या है, इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस, इक्विटेबल मतलब सबका बराबर बराबर पहुंच होनी चाहिए। एड्रेसिंग दी पोटेंशियल डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड मतलब यह है कि किसी के पास फोन है, किसी के पास नहीं है, किसी के पास लैपटॉप का एक्सेस है, किसी के पास नहीं है। बाय एजुकेटिंग वोटर्स को जो है वोट डालने को एजुकेट करो, इंश्योर करो एवरी वन हैज द मीन्स टू पार्टिसिपेट इन ए डिजिटल इलेक्टोरल प्रोसेस। अगर डिजिटली आप प्रोसेस करना चाहते हैं तो सबके पास पार्टिसिपेट करने के लिए डिजिटल आइटम होना चाहिए। द आर्टिकल साइट्स, साइट्स मतलब रखता है ये बात को क्या, सक्सेसफुल एग्जाम्पल फ्रॉम दी अराउंड द वर्ल्ड दैट ऑफर वैल्यूएबल इनसाइट्स, जो इनसाइट्स मतलब अंदर की बात बताते हैं जिसपे भी विचार किया जा सकता है। तो केरला, केरला का एग्जाम्पल दिया गया है, इंप्लीमेंटेड ए बैन ऑन द सिंगल यूज प्लास्टिक मटेरियल इंक्रेज, उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक जो एक बार यूज एंड थ्रो वाली प्लास्टिक है उनका बैन कर दिया है और इंक्रेज कर दिया है इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव, इको फ्रेंडली जो इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली होते हैं, जैसे लाइक वाल ग्राफ्टी, भित्ति चित्र, जो भीत पे चित्र बना देते हैं, बस पेंट नहीं होगा, वो भीत पे चित्र बना देंगे एंड पेपर पोस्टर, और ये पेपर पोस्टर यूज करेंगे। तो उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए बोल दिया दीवार पे चित्र बना दो बस आप, या फिर आप पेपर पोस्टर लगा दो। श्रीलंका का एग्जांपल देते हैं, द पोदुजुना पेरुमुना पार्टी, वहां की पीपीपी पार्टी है, ट्रिपल पी, लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल कैंपेन, उन्होंने कार्बन न्यूट्रल कैंपेन लगाया है ऑफसेटिंग देयर कार्बन फुटप्रिंट थ्रू दी ट्री प्लांटिंग इनिशिएटिव। तो ऑफसेटिंग मतलब उसको एडजस्ट करना, खत्म कर रहे हैं जो कार्बन फुटप्रिंट छोड़े हैं उन्होंने, प्लांटिंग इनिशिएटिव लगा के वो अपना कंप्लीट करना चाहते हैं। एस्टोनिया जो कि यूरोपियन कंट्री है, आपको पता है जैसे रशिया, रशिया की ये बॉर्डर है, तो यहाँ पे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया ये कंट्री है तीनों, तो इनके बारे में बताया गया है कि एस्टोनिया पायोनियर, पायोनियर होता है लीड करना डिजिटल वोटिंग, डिजिटल वोटिंग में पायोनियर लीड कर रहा है एज एन अल्टरनेटिव। ये अल्टरनेटिव एक ऑप्शन है, मतलब उनके पास विकल्प है, डेमोस्ट्रेबली, डेमोस्ट्रेशन होता है प्रदर्शन करना, इंक्रीजिंग डेमोस्ट्रेबली इंक्रीजिंग वोटर पार्टिसिपेशन, ये वोटर का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है वाइल रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल इंपैक्ट, डिजिटल में वो अच्छा खास चला हुआ है। आर्टिकल प्रपोज करता है कोलैबोरेटिव अप्रोच, कोलैबोरेटिव मतलब सबका साथ में अप्रोच, मतलब एक तरीका इन्वॉल्विंग वेरियस स्टेक होल्डर, जो भी फायदेमंद इससे फायदा हो रहा है उनको, बहुत सारे स्टेक होल्डर को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व करना है, कैसे, कैंपेनिंग ग्रीन प्रैक्टिस बाय यूटिलाइजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म, कैंपेन करना है जो आंदोलन चलते हैं, मतलब जो आदमी अपना रैली निकालते हैं, ग्रीन प्रैक्टिसेस बाय यूटिलाइजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करो, वहां पे कैंपेन करो, डोर टू डोर कैंपेन या घर से घर जाके करो, एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल मटेरियल, ऐसे प्रमोट करो जो लंबे टाइम तक यूज किए जा सके, प्लास्टिक वगैरह मत यूज करो, बैनर मत यूज करो, होर्डिंग मत यूज करो। इलेक्शन कमीशन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। एडवोकेटिंग, एडवोकेट होता है सपोर्ट करना, देखो एक एडवोकेट वकील भी होता है, जैसे वो वकील रहे हैं जो इसके राइटर हैं,
उसको वकील भी बोलते हैं, या एडवोकेट, आप किसी को एडवोकेट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उसको पैरवी करते हैं। एडवोकेट सपोर्ट करना फॉर एन इम्प्लीमेंटिंग डिजिटल वोटिंग सिस्टम, फॉर किसके लिए, या इम्प्लीमेंट लागू करना डिजिटल सिस्टम वोटिंग सिस्टम के लिए, वाइल इंश्योरिंग प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर ऑफिशियल, ऑफिशियल की अच्छे से ट्रेनिंग करा देगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो वो अच्छे से लूप होल को पता चल मतलब लगा पाएंगे कि यहाँ पे दिक्कत आ रही है डिजिटल में। और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या है, एजुकेटिंग वोटर्स, ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड टूगेदर। तो डिजिटल डिवाइड है, कोई साक्षर है डिजिटल के मामले में, कोई नहीं है, तो उनको सबको एजुकेशन देनी है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गारंटी इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन, सबको सम्मिलित करके पार्टिसिपेशन, भाग लेने का मौका दिया जाएगा वोटिंग सिस्टम में। सिविल सोसाइटी को भी इंक्लूड करो, रेजिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस आदमियों में जागरूकता लेके आओ अबाउट द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, कि अपने जो वातावरण पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, प्रभाव पड़ रहे हैं ऑफ इलेक्शन, ऑफ द ट्रेडिशनल इलेक्शन, एंड एडवोकेटिंग फॉर ग्रीन अल्टरनेटिव, और सपोर्ट करो ग्रीन अल्टरनेटिव को। मीडिया हाईलाइट द इन्वायरमेंटल कंसर्न, जितने भी इन्वायरमेंटल की मौसम की चिंता है, या जो इन्वायरमेंट की वातावरण की चिंता है, जो भी जितने भी, शोकेसिंग द सक्सेसफुल ग्रीन इलेक्शन इनिशिएटिव फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड। मतलब मीडिया ये कर सकता है कि भाई हाईलाइट करो, बार बार दिखाओ एड में कि हाँ इन्वायरमेंटल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है वोटिंग जो यूज हो रहा है मटेरियल, या शोकेस करो ग्रीन इलेक्शन इनिशिएटिव फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड। अराउंड द वर्ल्ड जो फॉलो कर रहे हैं उनको मीडिया के थ्रू सब देशों के फैलाना चाहिए इंडिया में कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा, आदमी की अवेयरनेस बढ़ेगी। ये क्या अल्टीमेट क्या है, बाय एम्ब्रेसिंग, एम्ब्रेसिंग मतलब किसी चीज़ को गले लगाना या इम्प्लीमेंट करना या उसको अपनाना। इको कॉन्शियस प्रैक्टिस, जो इको कहता है इकोलॉजी, जो मतलब पारिस्थितिक बोलते हैं जिसको, इकोलॉजी एनवायरमेंट वगैरह फ्लोरा एंड फॉलो का इंटरेक्शन को इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी का कॉन्शियस सोच विचार के प्रैक्टिस यूज करो थ्रू आउट द इलेक्टोरल प्रोसेस, पूरे थ्रू आउट पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में ऐसे इको कॉन्शियस प्रैक्टिस यूज करनी चाहिए। इंडिया कैन सेट ए पावरफुल एग्जाम्पल फॉर दी अदर डेमोक्रेसी एंड कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स। तो एग्जाम्पल दे सकते हैं हम डेमोक्रेसी, जितने भी लोकतंत्र हैं, या कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपना श्रेय दे सकते हैं, सिग्निफिकेंटली अपना हिस्सा दे सकते हैं, सिग्निफिकेंटली अच्छी खासी मात्रा में इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एफर्ट, इन्वायरमेंटल जो आगे तक बना रहेगा उसके एफर्ट में। जैसे हमारे पास जैसा इन्वायरमेंट है, हम अपने बच्चों को भी वैसा देके जाएंगे, उसके लिए एक स्टेप आगे हो सकता है। आर्टिकल बहुत ही अच्छा है, और मतलब प्रोबेबिलिटी है कि आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए। स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारे इसमें वर्ड हुए थे, जिसमें मैंने आपको सेंटेंस भी बताने की कोशिश की, कुछ वर्ड के बारे में यूज बताया है। आज के लिए इतना ही, प्लीज शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में, और डेली देखते रहो, और लाइक करोगे शेयर करोगे तभी मेरे वीडियो आगे प्रमोट हो पाएंगे, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आऊँ। बाय।